dear student, let me finish the small part. I was telling you very clearly, if the outflow is fixed, then we did not have to worry. We'll get similar answer. Like, see, this is our question number 10. Page number 19, where the outflow is 2000. We'll get 2000 fixed amount. For every year. Okay. If 2000 is there for every year. Okay. This is known as annuity. And future value at the rate of 5% only. Okay, at the rate of 5% only. So then what will be the things to be done? We got the answer or what? आगे आंसर सर आगे ना हाँ सर सो इसमें क्या होता है ना एक और लॉजिक है इसको हम लोग बोलते हैं वैल्यू ऑफ एन्यूटी अगर इसको सबको ऐड करोगे ना दैट विल बी नोन एज फ्यूचर वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन्यूटी इसमें क्या करना है आपको ये सबको ऐड कर देना है ये सबका टोटल कितना है 5.524 एम आई राइट 5.524 दिख रहा है ना ये देखो है ना अगर उससे भी आंसर चाहिए तो भी आंसर आ जाएगा यहाँ क्या हो जाएगा 2000 फिक्स हो जाएगा हाँ सर उसको मल्टीप्लाई करो इससे देखो यही आंसर आएगा विच इज नोन एज फ्यूचर वैल्यू फॉर एन्यूटी हाँ सर वही आया तो ये कब कर सकते हो व्हेन द कैश फ्लो इज कांस्टेंट अगर कैश फ्लो कांस्टेंट नहीं रहेगा तो आप ये कंप्यूट नहीं कर सकते समझ में आ गया आप लोगों को हाँ बस आज इतना ही करना है प्रेजेंट वैल्यू के लिए वी विल सी लेटर ऑन इसमें और सारे क्वेश्चंस दिए हैं फाइव ईयरली आपको कंप्यूट करना है व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू सर ठीक है And then there are lot many questions. Exercise में जाओगे ना बहुत सारे ऐसे question हैं which now you can attempt. Okay sir. You start doing that question. Sir एक बात पूछनी बोलिए ना ये देखो sir question क्या है unit के लिए Ramesh deposited 4000 for 3 years, which is credited at the end of the 6th month. What will be the amount of the, Ramesh account at the end of 3 years? I hope now you can do this question. ये कौन वाला fundamental आएगा बताओ कौन सा funda लगेगा इसमें?
वाई डिवाइड बाय एम एंड मल्टीप्लाई बाय एम, यस और नो? तो ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चन, कपलिंग पीरियड के भी क्वेश्चन हैं, यू नो, जस्ट नाउ आई वाज फाइंडिंग हियर, कैलकुलेट द डबलिंग पीरियड इंटरेस्ट, जो जो क्वेश्चन आते हैं, देर आर प्लेंटी ऑफ क्वेश्चन, ट्राई टू डू इट एंड ट्राई टू गेट मी द राइट आंसर्स, अगर कोई मिस्टेक है प्लीज मुझे बता, फिर धीरे धीरे हम लोग प्रेजेंट वैल्यू भी थोड़ा सीखेंगे एंड देन हाउ इट इज अप्लाइड डिफरेंट इंडस्ट्री, दैट ऑल्सो वी विल लर्न, ओके? चलो सर, ये इलस्ट्रेशन 10 में सर, हाँ बोलो सर, ये इलस्ट्रेशन 10 में प्रिंटिंग मिस्टेक है ना सर? हाँ, वो 2500 एरर है, और ऊपर भी 3000 लिखा हुआ है, वो भी गलत है। ओके सर, थैंक यू। हाँ बोलो सर, क्वेश्चन तो बताइए।